एक बार एक सिमरन नाम का लड़की थी जो एक डॉगी को पुकार रहा था। उसने एक पालतू कुत्ता पाल रखा था। वो उस पालतू कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। एक बार उसने उस पालतू कुत्ते को बहुत डांट दिया। पालतू कुत्ते ने नाराज होके वहाँ से चल दिया। फिर उसका सिमरन उसे पुकारता रहा, पर वो पालतू कुत्ता बिल्कुल नहीं सुना। वो डोगी चला गया वहाँ से। सिमरन सोचने लगा, ये तो इंसान से भी बढ़कर है, इनके तो तेवर देखो। वो सोचने लगा कि मैं इसे बहुत लाड़ प्यार करके इसे बढ़ा रखा है, पता नहीं अब कहाँ चला जाएगा, मुझे इसे ढूंढना पड़ेगा। सिमरन घबरा गई और उसके पीछे पीछे चला गया उसे ढूंढने के लिए। घर के पीछे एक गार्डन था, वहाँ भी आके देखा तो वहाँ भी कोई कुत्ता नहीं दिखा उसे। गार्डन पूरा खाली था। उसके बाद कुछ देर जाने के बाद इधर डॉगी जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था गुस्सा से। सिमरन भी उसे देख लिया जंगल की ओर जाते हुए और पीछे पीछे वो भी जाने लगी। वो घबरा गई और डॉगी को पुकारता रहा, पर डॉगी उनकी एक नहीं सुना। फिर अचानक सिमरन जंगल की ओर बढ़ा और एक बाघ को देख के मूर्छित होके वहीं पे गिर पड़ा। अब वो बाघ उसे खाने के लिए सोचने लगा। वो डर के मारे बेहोश पड़ा हुआ था, तभी वहाँ से डॉगी दौड़ के आया और अपनी मालकिन को गिरता हुआ बेहोश देख वो घबरा गया और सामने बाघ भी नजर आ रहा था। तभी डॉगी ने तुरंत गार्डन की ओर बढ़ा और वहाँ देखा एक पुलिस खड़े हैं। डॉगी उस पुलिस के सामने आया। पुलिस भी देख के घबरा गया कि आखिर ये डॉगी मुझे देखता हुआ क्यों आ रहा है। पुलिस समझ गया कि सही में ये एक पालतू कुत्ता है और इसका कोई अपना परिवार मुसीबत में है। ये मुझे ले जाना चाहता है और मुझे चलना चाहिए इसके साथ। डॉगी आगे आगे चला गया और उसे के पीछे पीछे पुलिस भी आने लगे। जब डॉगी के पीछे पीछे पुलिस गया तो उन्हें शक होने लगा कि मैंने सही सोचा, ज़रूर इसका कोई मुसीबत में होगा, तभी ये हमें ले जा रहा था। जैसे ही डॉगी जंगल की ओर आया, देखा बाघ वहीं पे खड़ा है और उसकी मालकिन सिमरन मूर्छित पड़ा हुआ है। तब वहाँ पे पुलिस अंकल ने देखा कि एक बाघ को देखकर उनकी मालकिन वहाँ पे मूर्छित पड़ा हुआ है। अब वो अपने बंदूक से उस बाघ को डराया और बाघ वहाँ से फौरन भाग चला। फिर सिमरन को होश आया और वो लोग वहाँ से चल दिए। इसी तरह डॉगी ने अपनी मालकिन का जान बचाया।